हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी मीट लाइव डेली। अन अकेडमी भारत का अपना एजुकेशनल चैनल, अन अकेडमी आपका अपना एजुकेशनल चैनल, और मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर के, दैट इज ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा, फैमिली ब्लॉटिडाई, एंड द जूलॉजिकल नेम इज पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। एक बार स्क्रीन पर नजर डालना चाहूंगा कौन कौन मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां जुड़ चुके हैं जी हमारे साथ। सो वी हैव साक्षी, वी हैव भारत, लक्ष्मी, मार्या, ईशा, बुशा, संकेत, रूही, संदीप, युक्ता, तपोजिता, शबनम, युवराज, अक्षय। Nice to see you all. Welcome जी। हिमांशु कह रहे हैं सब क्रिकेट देख रहे हैं। अच्छा जी, देखो जिन्हें नीट की चिंता है ना इस समय, जो लगभग 95 दिन बचे हैं, वो तो नहीं देखेंगे क्रिकेट। अब जिन्होंने टारगेट रखा है सन 2021 का, वो देख रहे होंगे। एग्रीड है जी। ऋषि, बुशरा, डॉली, नैन्सी, रमजोली, भारत, संदीप, अंकुश, आयुष, नैन्सी, चलो जी, ग्रेट, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। अच्छा ये देखो कितनी मस्त सी स्लाइड मैंने बनाई है। देखो ये कॉकरोच क्या कर रहा है, ये पैर मारा उसने उठा कर गया और वो फेंक दिया चींटी को पड़े। तो देखो जानवरों में भी कितनी ताकत है, लड़ाई झगड़े यहां भी है, सिर्फ आप ही नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कॉम्पिटिशन की, इधर भी लड़ाइयां चल रही है। डार्विन ने सही कहा था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये टर्म दिया हुआ हर्बर्ट स्पेंसर का है, बट डार्विन ने इसे अपनी थ्योरी में यूज किया था। ग्रेट जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए अपने साथ, और आपके प्यारे प्यारे लाइक्स भी आते रहने चाहिए इतनी खूबसूरत स्लाइड्स पे। चलिए राजा बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, एंड लाखों स्टूडेंट्स जो है मुझसे पढ़ के आज अपने मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अगला नंबर आपका है जी। अन अकेडमी का ये नारा है कि घर घर में डॉक्टर हमारा है। मिलिए इंडिया की इस बेहतरीन टीम से, जहां आप देख पा रहे हैं आपके ऑल टाइम फेवरेट नमो कॉल सर, जो फिजिक्स को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं, आपके अपने प्यारे महेंद्र बाहुबली माही भैया के नाम से जो ऑल इंडिया में मशहूर हैं, एंड द मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री अश्विनी त्यागी सर। ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किया है जी मैंने, ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स में, PMT में एंड DPMT में। आप हर इंसान के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 छुपा हुआ है, बस अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानिए, और एक सही मार्ग का और मार्गदर्शक का बस आपको जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है। ये ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक और बेहतरीन फीचर बताता हूं, tinyurl.com/neetmobile। फोन के ब्राउजर में ये टाइप कीजिएगा और आपके सामने जो है सारे लेक्चर्स का पूरा एक इंडेक्स खुल जाएगा। प्लस का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हर मायने में बेहतरीन है, जल्दी से प्लस के प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, अभी भी 100 दिन के करीब हैं, सो आप क्रैश कोर्स के जरिए अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं 1 ईयर कोर्स के लिए, बिकॉज अभी वो 12th में आने वाले हैं। 3 फरवरी से कोर्स शुरू हो रहा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए पहले ही। सब्सक्रिप्शन लेकर के पहले से ही हम आपके साथ मोटिवेशनल लेक्चर, इंस्पिरेशनल लेक्चर्स ले रहे हैं प्लस पे, तो जुड़िए एक बार वहां पे। प्लस पे डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स के अलग अलग कोर्सेज हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, बड़ा सिंपल तरीका है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अपने सेलफोन में इंस्टॉल कीजिए। यह ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस कैटेगरी में जाइए, फिर नीट कैटेगरी में जाइए, एंड सिंपली गेट सब्सक्रिप्शन। राइट, जो कोड यूज करेंगे आप मेरे नाम का, सचिन लाइव, सपने सच करने हैं तो सचिन लाइव कोड यूज कीजिए। आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत नमस्ते एंड हार्ट्स एंड चॉकलेट्स, ये सब चीजें आ रही हैं जी। आशीष, सुमन, निशान, संदीप, डॉली, रुद्रा, मोनीश, तौसीफ, स्वाति, युक्ता, ग्रेट जी, वेलकम। 210 के करीब बच्चे जुड़े हुए, दैट्स रियली नाइस टू सी यू ऑल। चले जी, सचिन लाइव कोड यूज करेंगे और 10% डिस्काउंट फीस में मिलेगा, इंडिया की बेहतरीन टीम से पढ़ने का मौका मिलेगा, और चाहिए क्या। चलो शुरू करें जी, फिर कॉकरोच को बुला लें जी जरा। कॉकरोच जी तो पैर मार के फेंक रहे हैं भाई सबको, थोड़ा सा डरना पड़ेगा हमें भी इनसे, कॉकरोच पेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं वो। हाँ जी, कनीज, फातिमा, फैजान, संदीप, शुरू कर सकते हैं जी लेक्चर। बिल्कुल जी, सही समय है, 250 के करीब बच्चे जुड़ने वाले हैं, तो लेक्चर शुरू करते हैं। एक वार्म अप सेशन चाहिए होता है, वो हमने कर लिया। प्यारी सी कोटेशन, स्टडी विदाउट डिजायर स्पॉइल्स द मेमोरी एंड इट रिटेन्स नथिंग दैट इट टेक्स इन। राइट, स्टडी विदाउट डिजायर, इच्छा ही नहीं है आपकी,
ऐसे ही मन मार के पढ़ रहे हैं, दैट्स गोइंग टू स्पॉइल योर मेमोरी ऑल्सो एंड इट रिटेन्स नथिंग दैट इट टेक्स इन, कुछ भी नहीं जाएगा दिमाग में यदि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि एक डिजायर होना बहुत जरूरी होता है इंसान का, किसी चीज को पाने की एक स्ट्रॉन्ग, एक प्रबल इच्छा, तभी आप उसको जो है पा सकते हैं। चलिए कॉकरोच का टेक्सोनॉमिक पोजीशन एक बार फिर से देख लेते हैं जी। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास को हेक्सोपोडा भी कहते हैं, आप जानते हैं हेक्सोपोडा इसलिए कहते हैं बिकॉज थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा है, फैमिली ब्लैटिडे है, जीनस पेरिप्लैनेटा एंड स्पीशीज अमेरिकाना। एक और स्पीशीज कॉकरोच की बताई थी मैंने राजा बेटा आपको, दैट वॉज ओरिएंटल कॉकरोच, ब्लैटा ओरिएंटालिस, राइट जी। ब्लैटा ओरिएंटालिस में आपने देखे होंगे थोड़े छोटे साइज के होते हैं, राजमा के दाने जितने, ये थोड़ा बड़ा वाला कॉकरोच है। उड़ते देखा आपने कॉकरोच को, कम उड़ते हैं, पंख हैं उनके पास भैया, लेकिन उनको तेज दौड़ना पसंद है। सो हमने पढ़ा था कॉकरोच जो है नॉक्टर्नल क्रिएचर्स हैं, रात के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं, ऐसी जगहों पर पाए जाएंगे जिनमें नमी होती है, थोड़ी मॉइस्ट हो, गर्मी हो, और प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज मटेरियल, फूड मटेरियल इज अवेलेबल। कॉकरोच कुछ भी खा जाते हैं, कैनिबलिस्टिक भी है, एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को भी खा जाता है, जानते हैं आप ये बात, और कागज भी खा जाते हैं, गत्ता खा जाते हैं, कपड़ा खा जाते हैं, कुछ भी खा जाएंगे भैया, हर चीज डाइजेस्ट कर लेते हैं, सर्वभक्षी हैं, ओमनिवोरस जैसे हम कह रहे हैं। चलिए जी, भरत साहब, शिवानी जी, जशन, तौसीफ, कनीज, सिमरन, सलमा, दीपक, धीरज, वंडरफुल, नाइस टू सी। दीपक जायसवाल प्यारे प्यारे लाल रंग के फूल भेज रहे हैं, दैट्स रियली नाइस टू सी। कॉकरोच का डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया मेरे राजा बेटा, आपको लेबलिंग याद रखनी है। अगर मैं यहां पे लेबल करते समय प्रोनोटम की जगह एक्स या वाई लिख दूं, तो ऑल माई राजा बेटा एंड राजा बेटियां आपको ये लेबलिंग पता होनी चाहिए, राइट। बॉडी डिविजिबल है, हमने पढ़ा था कॉकरोच की बॉडी तीन हिस्सों में डिविजिबल है, दैट इज व्हाट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड जो है मैंने बताया था, हेड इज एट 90 डिग्री एंगल्स टू द मेन बॉडी एक्सिस, उसके लिए हमने टर्म यूज किया था, बताइए मुझे जल्दी से हमने क्या टर्म यूज किया था, जब हेड जो होता है राजा बेटा दैट इज एट 90 डिग्री एंगल टू द बॉडी एक्सिस, इस तरह से बताया था ना, उसका जो सिर है वो ऐसे है, मान लो ये मेन बॉडी एक्सिस है, ये कॉकरोच का हेड रीजन है इस तरह से, सो इट इज एट 90 डिग्री एंगल टू द मेन बॉडी एक्सिस। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द टर्म जो हमने उसके लिए यूज किया था राजा बेटा। तपोजिता, हनी सिंह, निशांत, बताइए जी, संकेत, साहू, वंशिका, डॉली, नहीं नहीं प्रोनोटम नहीं कहा था, याद कीजिए, व्हाट वाज दैट टर्म, बस बस दीपक जायसवाल एंड अंकित, बस यार और फ्लावर्स मत भेजो, स्क्रीन फ्लड हो रही है, बस कर जाओ, आईडी ब्लॉक हो जाएगी। हाइपोगनेथस, रुद्रा ने बिल्कुल सही कहा, देवद्रता ने सही कहा, संकेत ने सही कहा है, राइट, युक्ता, बंधन, युवराज, सबने ठीक बोला है। हाइपोगनेथस टर्म बताई थी मैंने, व्हेन हेड इज एट द राइट एंगल्स टू द मेन बॉडी एक्सिस। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में शरीर डिविजिबल है, राइट। Head consists of embryonic segments. Fusion of the six embryonic segments is going to form the head. Head region में क्या क्या था? Compound eyes हैं, antenna होते हैं, cockroach के mouth parts होते हैं. Mouth parts biting and chewing type है, याद रखिएगा. आज mouth parts भी detail में discuss करने वाले हैं. Thorax जो होता है वो तीन हिस्सों में बटा होता है. Prothorax, mesothorax and metathorax. Skeleton chitinous है. जो काइटिन की प्लेट्स होती हैं, काइटिनस प्लेट्स, दे आर कॉल्ड स्क्लेराइट्स। डॉर्सल स्क्लेराइटिस टर्गा, वेंट्रल स्क्लेराइटिस टर्ना एंड द लेटरल स्क्लेराइटिस प्लूरा। स्क्लेराइट्स को आपस में जोड़ने वाली एक मेम्ब्रेन बताई थी, लेट मी सी क्विकली, सबसे पहले कौन आंसर देता है, कौन सी मेम्ब्रेन बताई थी विच कनेक्ट्स द स्क्लेराइट्स, हां जी बताइए जल्दी से। सना आपने ठीक लिखा है, सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से फ्यूज होता है, हां जी बताइए, कोरोना वायरस नहीं है वो देवेंद्र, कोरोना वायरस है, हां जी बताइए जल्दी से। विच मेम्ब्रेन कनेक्ट्स द स्क्लेराइट्स, इट्स अ डेलिकेट डेलिकेट मेम्ब्रेन, बताओ जल्दी से। सुमन, शानू, टर्गा, स्टर्ना, प्लूरा को कनेक्ट करती हुई वो डेलिकेट मेम्ब्रेन। अमिता, पुनीता, आर्थ्रोडियल, आकाश ने सही जवाब दिया, बंधन ने, रुद्रा ने, युक्ता, बुश्रा, शिवानी, वंशिका, संगीता, करेक्ट आंसर, हिमांशु, नैन्सी, ईशा, ये हुई ना बात, राइट। 300 के करीब लोग जुड़ने वाले हैं, जल्दी से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए आपस में, सही बोला जी आपने। एक वार्म अप सेशन आपको दे रहा हूं पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था उसके बारे में, सो इट इज आर्थ्रोडियल, डी आई ए एल, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आज हम कॉकरोच के सारे सिस्टम्स डिस्कस करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको प्री कैप कल दिया था, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट बताया था ना, हिपेटिक सीके बताए थे, क्रॉप बताया था, गिजर्ड बताया था, देन लार्ज जो उसका हाइंड गट है उसके पार्ट देखे थे हमने, इलियम कोलोन एंड रेक्टम।
आज थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देख लीजिए इतने सारे कॉकरोच हैं। आप जानते हैं कई जगहों पे कॉकरोच की फार्मिंग भी करी जाती है, कॉकरोच फार्म्स होते हैं, कॉकरोचेस को खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में भी कई जगह पे होता है कॉकरोच फार्मिंग। वंडरफुल जी, 300 पीपल, कैन वी हैव 300 लाइक्स ऑल्सो साइड बाय साइड। ब्यूटिफुल स्लाइड्स, फुल ऑफ एनर्जी, योर एजुकेटर फुल ऑफ एनर्जी एंड यू पीपल आर ऑल्सो फुल ऑफ एनर्जी। तो चलिए जी एक दूसरे को एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, कल बताया था ये। फोरगट जिसको स्टोमोडियम भी कहते हैं, मिड गट जिसको मिजेंट्रॉन भी कहते हैं, एंड हाइंड गट जिसको प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। फोरगट एंड हाइंड गट जो है राजा बेटा, ये एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन में। दे आर एक्टोडर्मल एंड आर लाइंड विद थिन क्यूटिकल, राइट। जो मिड गट होता है वो एंडोडर्मल है, यहां पे क्यूटिकल नहीं होता। मिड गट में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। एक बार फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अपने सामने देख लीजिए कॉकरोच का। इसके बाद आगे बढ़ता हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। देखिए जी, ये एनसीईआरटी में से लिया गया डायग्राम। लेबलिंग 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 वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप को लेबल कर सकते हैं ऐसे एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिखा होगा। सो राजा बेटा यहां पे ध्यान रखना, सलाइवरी ग्लैंड की लेबलिंग पूछ सकते हैं, क्रॉप की, गिजर्ड की, हिपेटिक सीके की, मैलपिगियन टिब्यूल्स। इट्स अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। मैलपिगियन टिब्यूल पे ना पहले आया भी हुआ है क्वेश्चन की इसका लोकेशन बताइए। तो मिड गट या हाइंड गट के जंक्शन में आपस में लोकेटेड है। मैलपिगियन टिब्यूल्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। फोर गट में क्या क्या पार्ट्स आ जाएंगे राजा बेटा? इट इंक्लूड्स माउथ, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड। ये है फोर गट के पार्ट। क्रॉप के बारे में आपको बताया था, स्टोरेज चैम्बर, डायलेटेड चैम्बर, फूला हुआ हिस्सा, फूड स्टोर करता है। गिजर्ड ट्रायंगुलर सा चैम्बर है, ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है। गिजर्ड के अंदर जो है टीथ भी होते हैं, डेंटिकल्स। चलो अब आगे बता रहा हूं कॉकरोच के माउथ पार्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट and it can be framed as a question in NEET. कौन से हैं कॉकरोच के माउथ पार्ट्स? क्या हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। आप जानते हैं इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉस्किटोज हैं उनमें पियर्सिंग एंड सकिंग होते हैं, इसी तरह से बटरफ्लाइज हैं उनमें अलग तरह के हैं। देर आर साइफनिंग टाइप, देर आर स्पॉन्जिंग टाइप, देर आर च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप हनीबीज के केस में। सो इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट स्पेशलाइज होते हैं उनके फूड के हिसाब से। कॉकरोच में जो माउथ पार्ट्स हैं राजा बेटा, बाइटिंग एंड च्यूइंग, एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। कौन कौन से हैं माउथ पार्ट्स? एनसीईआरटी से मैंने आपके लिए ये डायग्राम यहां पे अरेंज किया है। ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम दिया होगा, लेबलिंग नहीं होगी कहीं भी, पहचानना होगा। लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैक्सिला, राइट जी। सो क्या क्या है माउथ पार्ट्स? देयर इज लेब्रम और द अपर लिप, ऊपर वाला होंठ जो है, लेबियम विच इज लोअर लिप, मैंडिबल्स विच रेफर्स टू जॉज, maxillae which refers to accessory jaws, and hypopharynx जिसको lingua या tongue भी कहते हैं। So cockroach के mouth parts पे जो भी question आपसे possible पूछा जा सकता है मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये कि mouth parts कौन से हैं, biting and chewing type कौन कौन से हैं? labrum, labium, mandible, maxilla, hypopharynx। लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल इज जॉ, मैक्सिला आर द एक्सेसरी जॉज, एंड हाइपोफेरिंग्स इज टंग। देख के भी पहचान लेंगे, डायग्राम देख के पहचान सकते हैं ना ऑल माई राजा बेटा, राइट जी। दीपक जायसवाल, तौसीफ, निशांत कुमार, क्लियर है जी। इनबिसत, इज इट क्लियर? तेजस, लकी, चलो जी। दीपशिखा, आगे बढ़ते हैं। सो ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से जहन में बिठा लीजिएगा। अब जिक्र करते हैं सलाइवरी अपरेटस का। बकल कैविटी जो है उसकी, या माउथ कैविटी कह लीजिए भाई, वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं। कॉकरोच में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो बने हुए हैं कई सारे लोब्यूल या एसिनाई से। सलाइवरी ग्लैंड्स दे कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल्स और एसिनाई, जिसमें दो तरह के सेल्स हैं, जाइमोजेनिक सेल्स, डक्ट्यूल कंटेनिंग सेल्स। Saliva is stored in the salivary reservoir and the enzyme which is present is zymase. आप दोनों तरफ salivary gland देख पा रहे हैं। ये रही दो salivary glands, salivary receptacle जहां पे saliva store हो रहा है, ये common duct हो जाती है जो कि hypopharynx के पास खुल रही है। Saliva में enzyme जो है that is zymase।
क्लियर है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, पढ़ेंगे हिपेटिक सीके जो रिलीज करते हैं। फोरगट का जिक्र कर रहे थे राजा बेटा, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोरगट क्रॉप, विच इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट क्रॉप, विच पार्ट इज एक्टिंग एज रिजर्वायर ऑफ फूड और द स्टोरेज चैम्बर क्रॉप, विच इज द ग्राइंडिंग मशीन गिजर्ड और प्रोवेंट्रिक्यूलस राइट, इट इज अ कोन शेप्ड मस्कुलर थिक वॉल्ड चैम्बर। गिजर्ड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंटीरियर आर्मेरियम, पोस्टीरियर स्टोमोडियल वेल्व। से देयर इज आर्मेरियम, आर्मेरियम में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं जिसमें दांत होते हैं या डेंटिकल्स। स्टोमोडियल वेल्व इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स द रीगर्जिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम मिडगट टू हाइंडगट राइट। गिजर्ड के बारे में ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं एंड दीस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। चलिए नेक्स्ट, हाइंडगट। हाइंडगट में कोई खास विशेष बात नहीं है, हाइंडगट जो है सॉरी मिडगट जो है इसमें मिडगट का इंपॉर्टेंट है, हाइंडगट में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वेंट्रिक्यूलस या मेसेंट्रॉन भी कहते हैं मिडगट। दिस इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको ट्रू स्टमक भी कहते हैं। यहां पे हिपेटिक सीके याद रखने, जिनको एंटेरिक सीके भी कहते हैं। हिपेटिक सीके कहां लोकेटेड है, गिजर्ड के और मिडगट के जंक्शन पे। और ये हिपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके, एंटेरिक सीके, इनका काम होता है एंजाइम्स रिलीज करना। मिडगट में से क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिडगट, मेसेंट्रॉन या वेंट्रिक्यूलस, विच इज द ट्रू स्टमक इन केस ऑफ कॉकरोच, द ट्रू स्टमक इज मिडगट। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेनली हैपल्स इन मिडगट। वेयर आर हेपेटिक सीके लोकेटेड, एट द जंक्शन ऑफ गिजर्ड एंड मिडगट राइट जी। हाइंडगट एज आई टोल्ड यू यहां कोई खास बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सिवाय इन मैलपिगियन टिब्यूल्स के। मैलपिगियन टिब्यूल्स जो है ये 80 से 90 ऑन एन एवरेज, वैसे 100 से 150 तक भी हो सकती हैं, 80 टू 90 कह लीजिए, इन जनरल 100 टू 150 तक भी है, नंबर वेरिएबल है। थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स है येलोइश कलर की, जो कि एक्सक्रीटरी है फंक्शन में। इनका लोकेशन है एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। दिस इज अनदर क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम्ड। इसके पार्ट से इलियम, कोलोन एंड रेक्टम राइट जी। आगे बढ़ सकते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब ये कितनी खूबसूरत सी है, जरा इधर देखना ये कॉकरोच जनाब क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या पकड़ के उठा पटक करी है यहां पे। ध्यान से देखिएगा, इस तरफ आपको कॉकरोच के एंटीना दिख रहे हैं, हेड रीजन दिख रहा है, और आप उधर देखिए भाई उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है एक चींटी के साथ, और ये पटक के उन्होंने धोबी पछाड़ मारा है इसे। सो भाई आपसे कह रहा था, देखिए जिंदा रहने के लिए जो है स्ट्रगल छोटे से छोटे लेवल पे भी आपको ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल जाता है। कॉकरोचेस जो होते हैं मेरे राजा बेटा, वो ओमनीवोरस होते हैं। दे कैन फीड ऑन एनी काइंड ऑफ एनिमल और वेजिटेबल मैटर, ऑर्गेनिक फूड पे। कैनिबल्स भी हैं। कैनिबलिज्म समझते हैं, ईटिंग मेंबर्स ऑफ द ओन स्पीशीज, दैट इज कैनिबलिस्टिक बिहेवियर। फूड को फोर लेग्स, अपर एंड लोअर लिप की मदद से वो पकड़ते हैं। थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हमने पढ़ा था, फोर लेग्स एंड देन मीजो लेग्स एंड दी हाइंड लेग्स, बेटा लेग्स भी जो है। देर आर प्रोथोरेसिक लेग्स और द प्रो लेग्स, देर आर मीजोथोरेसिक लेग्स और द मेटा लेग्स, एंड देर आर मेटाथोरेसिक लेग्स ऑल्सो, प्रो लेग, मीजो लेग, मेटा लेग। फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा एंड इट इज कट इन टू पीसेज बाय मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैंडिबल और मैक्सिला की मदद से फूड के टुकड़े कर देते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स करके फिर वो फूड आगे जाता है। डाइजेशन मुख्य रूप से मिडगट में हो रहा है, जहां पे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं। मिडगट खुद भी एंजाइम्स रिलीज करता है और हेपेटिक सीके भी एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो सिंपल सी बात थी, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फीडिंग बिहेवियर में ओमनीवोरस है, कैनिबलिस्टिक भी है। फूड को पिक करने में, कलेक्ट करने में उसकी लेग्स मदद कर रही हैं, सबसे आगे वाली जो है प्रोथोरेसिक लेग्स जो हैं, और उसके अलावा अपर एंड लोअर लिप की मदद से फूड पकड़ा जाता है। मैंडिबल और मैक्सिला की मदद से फूड को चबाया जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है, और फिर फूड जो है आगे बढ़ता है। डाइजेशन मुख्य रूप से मिडगट में हो रहा है, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही मिडगट में। एंजाइम्स एक तो मिडगट खुद सिक्रीट कर रही है, और उसके अलावा हेपेटिक सीके से एंजाइम्स आ रहे हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट थ्रू एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम में से कोई मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि ये तो दंगल लग रहा है इनका। बिल्कुल जी अहमद साहब, ठीक है आपने। तौसीफ, सलेवरी अपरेटस क्लियर है आपको? लकी, अल्फाज, भरत,
कल बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आप बच्चों का नाम मत लिया कीजिए, उसमें टाइम वेस्ट होता है। उसी के नीचे मैं पढ़ रहा था और बच्चों ने मैसेजेस करे थे, नहीं ये गलत है, नाम जरूर लेना चाहिए, अदरवाइज कोई इंटरेक्शन महसूस नहीं होगी। मैं सहमत हूं आपसे, फिर तो एक तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह आपको लगेगा। अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं तो आपको नहीं सुन पा रहा, लेकिन एटलीस्ट मैं आपका नाम पढ़ के यहां पे नाम पुकारूंगा, आपको एक कनेक्शन महसूस होगा, आपको लगेगा कि हम टीचर के साथ जुड़े हुए हैं। है तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म, आप मुझसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं इस समय, लेकिन एक कनेक्शन, एक बॉन्ड, एक बंधन कुछ तो महसूस होता है ना आपस में। सो नाम के जरिए वही एक अपनापन जो है वो डेवलप होता है। कितने बच्चे इतने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप, सना, तौसीफ, रूपाली, अजय, हिमांशु, पारस, देन वी हैव युक्ता, डॉली, ये सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, संयोगिनी एज वेल, सुशील, नैन्सी, राजेश, हुडा, अल्फाज। सो इसलिए मुझे तो भाई अच्छा लगता है आपका नाम लेना, तो मैं तो जरूर लूंगा। सो आप चिंता मत कीजिए, सिलेबस खत्म कराना हमारी जिम्मेदारी है राजा बेटा, और वो डेफिनेटली होगी, राइट जी। चलो जी सरिता आगे बढ़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ इधर देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, शरीर में लंबे लंबे ट्यूब्स फैले हुए, एयर ट्यूब्स, उनको ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकिए कहते हैं। इन जानवरों में ना तो कोई गिल्स है ना कोई लंग्स है। होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, हवा है, वो डायरेक्टली शरीर के अंदर घुसती है ओपनिंग्स के थ्रू। जो ट्रैकियल ट्यूब्स की ओपनिंग्स हैं उनको स्पायरेकल्स या स्टिग्मेटा कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्य रूप से इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिए, विच आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स। Then it consists of tracheoles. जो लार्ज ट्रैकियल ट्यूब्स है वो डिवाइड करके मीडियम साइज्ड ट्रैकियल ट्यूब्स, देन स्मॉल साइज्ड ट्रैकियल ट्यूब्स एंड देन ट्रैकियोल्स बनाते हैं। और स्पायरेकल्स क्या है, वो ओपनिंग्स है, वो छेद है जिसके थ्रू एयर एंटर भी कर रही है राजा बेटा और हवा बाहर निकलती भी है, राइट right? क्लियर है जी। सो स्पायरेकल जैसे हमारी नॉस्ट्रिल्स हैं, कंपेयर कर सकते हैं इनसे कि हमारे में नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हवा गई, उनमें शरीर में स्पायरेकल्स हैं। स्पायरेकल्स भी बताए थे 10 पेयर्स ऑफ स्पायरेकल, 2 पेयर्स आर थोरेसिक, 8 पेयर्स आर एब्डोमिनल। सो ये कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम का इस तरह से सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। फिर से देख लेते हैं, ट्रैकिए और द ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियोल्स, स्पायरेकल्स, ये तीन चीजें मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है जी। सो लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में ट्रैकियल ट्यूब्स का जाल फैला हुआ है। देर आर 3 पेयर्स ऑफ लार्ज पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्यूब्स, 3 पेयर मुख्य रूप से मेन पेयर हैं। देर इज 1 डॉर्सल पेयर, देर इज 1 वेंट्रल पेयर एंड देर इज 1 लेटरल पेयर, 1 डॉर्सल, 1 वेंट्रल, 1 लेटरल। These are connected by transverse commissures. उनको आपस में जोड़ते हुए transverse commissures हैं। जैसे मैं पिछली स्लाइड में आता हूं, ये देखिए, ये आपको लंबे लंबे जो मेन ट्रैकियल ट्यूब्स दिख रहे हैं राजा बेटा, इनको आपस में जोड़ते हुए transverse commissures हैं। So, पूरे शरीर तक इन ट्यूब्स का जाल फैला है, इनके जरिए एयर पहुंचाई जाएगी लार्ज ट्रैकियल ट्यूब से मीडियम साइज एंड देन स्मॉल साइज और फिर फाइनली ट्रैकियोल्स बनते हैं। ट्रैकिया बनते कैसे हैं, बाय द इनवेजिनेशन ऑफ द आउटर इंटेग्यूमेंट, जो बाहर वाली इंटेग्यूमेंट है, जो स्किन है मान लीजिए ऐसे, इसी का इनवेजिनेशन होता है। सो कुछ इस तरह से आप देखिए ये ट्रैकियल ट्यूब्स बन जाते हैं। सो ट्रैकियल ट्यूब्स में फिर ऐसे बाहर की तरफ तो ऐसे एपिथीलियल लाइनिंग हो जाएगी, अंदर की तरफ जो है क्यूटिकल की लेयर हो जाएगी। हम यही तो पढ़ते हैं कि इंसेक्ट का स्केलेटन जो है भाई वो काइटिनस है ऐसे, राइट, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय इनवेजिनेशन। ध्यान दीजिएगा ये चीज, दीस कंसिस्ट ऑफ आउटर एपिथीलियल वॉल, बाहर में एपिथीलियल वॉल है, अंदर की तरफ काइटिनस क्यूटिकल है। सो ये रही एपिथीलियल वॉल, और अंदर की तरफ रेड कलर से जो दिखाया है दैट इज काइटिनस क्यूटिकल, क्योंकि इन्वेजिनेशन से बने हैं ना, इसलिए आपको उल्टा लग रहा है कि भाई क्यूटिकल अंदर को चला गया, ये रहा क्यूटिकल, राइट। दिस इज हाउ द ट्रैकियल ट्यूब्स आर फॉर्म्ड। क्यूटिक्यूलर लाइनिंग इज स्पाइरली थिकंड फॉर्मिंग इंटीमा और टेनिडिया, यही क्यूटिकल की लाइनिंग जो है अंदर की तरफ इसने
इंटीमा या टेनिडिया बनाए हैं। एक मोलस्का में टेनिडिया पड़े थे, वो स्पेलिंग अलग थे, सी से थे वो, सी टी ई, ये टेनिडिया अलग हैं। ये टेनिडिया प्रिवेंट करते हैं कि ट्रैकियल ट्यूब्स कोलैप्स ना कर जाएं। जैसे ह्यूमन ट्रैकिया में भी तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। यहां पे ट्रैकियल ट्यूब्स की कोलैप्सिंग को रोकने के लिए इसी काइटिनस क्यूटिकल की थिकनिंग्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज टेनिडिया। क्लियर है जी राजा बेटा, बताइए। तौसीफ, राजेश, ऋषिकेश, शिंचन, मोनीश, गुनगुन, इज इट क्लियर? आपस में चैटिंग में कम ध्यान दीजिए, ध्यान आप सामने की तरफ रखिए, स्क्रीन की तरफ। प्यारे प्यारे लाइक्स आपके आते रहने चाहिए, जिससे कि एनर्जी मिलती है। इधर देखो, ट्रैकियल ट्यूब्स का आगे डिटेल दिखाया गया है। ये रहा स्पाइरेकल, ये ओपनिंग जिसके थ्रू एयर अंदर जा रही है। ये रही लार्ज ट्रैकियल ट्यूब। लार्ज ट्रैकियल ट्यूब डिवाइड हुई स्मॉल ट्रैकियल ट्यूब्स में, फिर फर्दर डिविजन हुआ और ये बने ट्रैकियोल, राइट जी? देखते हैं इधर, लार्ज ट्रैकियल ट्रंक्स फॉर्म स्मॉल ट्रैकियल ट्यूब्स विच अल्टीमेटली फॉर्म ट्रैकियोल्स। दे आर अल्टीमेटली फॉर्मिंग ट्रैकियोल्स। ट्रैकियोल्स जो है वो शरीर के इंडिविजुअल सेल्स के डायरेक्ट संपर्क में है। मान लीजिए यहां पे ये इंडिविजुअल सेल्स हैं, सो दीज ट्रैक्यूल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इंडिविजुअल सेल। एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, ओके? ईच ट्रैक्यूल इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल विद वेरी थिन वॉल लाइंड बाय प्रोटीन ट्रैकीन। अब यहां पे जो फाइनल अल्टीमेट सेल्स हैं, उनको भी लाइन करते हुए प्रोटीन ट्रैकीन होता है। ट्रैक्यूल सप्लाई ऑक्सीजन इंडिविजुअली टू द बॉडी सेल्स। अब आप जान के हैरान होंगे कि भाई हमारी बॉडी में तो जो ब्लड है उसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। यहां पे कोई काम नहीं है ब्लड का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन डायरेक्टली पहुंचाई जा रही है। शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन डायरेक्टली पहुंचाई जा रही है, सो ब्लड और द हेमोलिम्फ डजंट हैव एनी रोल इन ऑक्सीजन सप्लाई। देखिए जी, इधर देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। This part is important. It can be framed as a question. ऐसे ही आपसे पूछ ले जाए, in cockroach the respiratory pigment is, option दे दिए जाए hemoglobin, hemocyanin, chlorocruorin, none of these. So ध्यान रखिएगा, none of these. Blood का काम oxygen transport करना है ही नहीं, बाकी काम करता है blood. So लिखा है जी hemolymph, blood का ही दूसरा नाम है hemolymph. Hemolymph has no role in gas transportation. ट्रैकियल ट्यूब्स ओपन टू आउटसाइड थ्रू स्पाइरेकल्स। ट्रैकियल ट्यूब्स जो है वो बाहर खुल रहे हैं स्पाइरेकल्स के जरिए, राइट? टोटल 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे स्पाइरेकल्स का नंबर पूछा जाएगा। स्पाइरेकल्स कितने पेयर होते हैं? स्पाइरेकल के 10 पेयर होते हैं बेटा, जिसमें से 2 पेयर थोरेसिक, 8 पेयर एब्डोमिनल। सो मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट। स्पाइरेकल में ब्रिसल्स भी होते हैं जो कि इनकमिंग एयर को फिल्टर कर देते हैं। इतना क्लियर है राजा बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम बताइए जी। रोमानिसा, मुजाम, तौसीफ, नैन्सी, तौसीफ बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं चैट पे आप, है ना? आंसर देने में भी उतने एक्टिव रहा करो। हां जी, गुनगुन, अनूप, आकाश पटेल, मोहित शर्मा, सुचिता कह रही है जी क्लियर है। पुनीता, 10 पेयर, राइट? सो इसी पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है जी, बिल्कुल। देवद्रता कह रहे हैं कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये बात बताई थी, बिल्कुल जी, वहां भी हमने कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ा था सर, अलग अलग एनिमल्स में गैस एक्सचेंज के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। लक्ष्मी क्लियर है जी, राइट? लक्ष्मी, 12th का पोर्शन जो है वो हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे कवर करते हैं। बेटा अब तक तो आप लोगों को टाइम टेबल समझ आ जाना चाहिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास 11th के टॉपिक्स होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लास 12th के टॉपिक्स होते हैं। ऋषिकेश, सना, राइट? चलो जी आगे बढ़ सकते हैं। पॉइजन क्लियर हो गया, वंडरफुल। 322 पीपल वॉचिंग, सो कैन वी हैव द सेम नंबर ऑफ लाइक्स ऑल्सो? 322, राइट? एनर्जी जब भी आपको लगे ना सर की एनर्जी कम हो रही है, तो जल्दी से लाइक्स बढ़ाने लग जाया करो, सर की एनर्जी अपने आप वापस आ जाएगी फिर से बढ़ के। ठीक है जी, सत श्री अकाल जी। कुणाल जी, कुणाल, कुणाल मैंने पढ़ ली आपकी बात, पंजाबी में लिख रहे हैं आप, आगे बढ़ते हैं। चलो जी,
जिक्र करते हैं राजा बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे ही माइंड में आता है तो आपको ध्यान में आता है कि भाई मैलपिगियन टिब्यूल्स तो होनी चाहिए। सो कॉकरोच में भी है मैलपिगियन टिब्यूल्स। इसके अलावा फैट बॉडी सेल्स भी होते हैं। जब आप कॉकरोच का डाइसेक्शन करें ना कभी, तो आप देखिएगा शरीर के अंदर रुई जैसा व्हाइट व्हाइट जैसा मटेरियल आपको दिखेगा, दैट्स कॉल्ड फैट बॉडी और कॉर्पोरा एडिपोसा। उसके अलावा यूरिकोस ग्लैंड्स भी होते हैं, राइट? और क्या स्ट्रक्चर्स और हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, द मेन स्ट्रक्चर्स विच प्ले रोल इन एक्सक्रीशन आर मैलपिगियन टिब्यूल्स, फैट बॉडी सेल्स कॉर्पोरा एडिपोसा कहते हैं, यूरिकोस ग्लैंड्स जो एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का पढ़ेंगे, मशरूम ग्लैंड उसमें पढ़ेंगे। सो उसमें यूट्रिकुलाई मेजोरिस, यूट्रिकुलाई ब्रेवियोरिस डक्ट्स होती हैं। सो यूरिकोस ग्लैंड्स मशरूम ग्लैंड का हिस्सा है। क्यूटिकल, क्यूटिकल भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। भाई क्यूटिकल में मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट होते रहते हैं और जब इंसेक्ट का मोल्टिंग होता है, एक्डाइसिस होता है, जब वो क्यूटिकल को शेड कर देगा तो क्यूटिकल में जो मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठे हो रखे हैं वो भी तो शेड हो जाएंगे ना साथ के साथ। एग्रीड? सो अगर हमसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉकरोच, ऑल ऑफ दीज, ये सारे हो जाएंगे, यानी मैलपिगियन ट्रिब्यूल्स, फैट बॉडी सेल्स, यूरिकोस ग्लैंड्स एंड क्यूटिकल। चलो आगे बढ़ता हूं, पहले जिक्र कर लेते हैं मैलपिगियन टिब्यूल्स का। मैंने आपको बताया था नंबर वेरी है, 80 से लेके 100 150 लगभग इतने के करीब रहती हैं ये। सो दीज आर 100 to 150 अनब्रांच्ड येलोइश ब्लाइंड टिब्यूल्स। बेटा ब्लाइंड वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई डक्ट एक तरफ खुली हो और एक तरफ बंद हो, तो ब्लाइंड डक्ट कह देते हैं। विच आर लोकेटेड एट, इनका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मिडगट एंड हाइंड गट के जंक्शन पे, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। 16 मिलीमीटर के करीब लंबी है, 0.5 मिलीमीटर इनका डायमीटर है। डायमेंशंस ना भी याद रखिएगा, बस एक हल्का आइडिया आपको होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ग्लैंडुलर एपिथीलियम है इसमें और हर टिब्यूल के दो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। टिब्यूल ने फाइनली खुलना किसमें है जी? हाइंड गट में। सो मान लो ये एक मैलपिगियन टिब्यूल और इधर ये एक और मैलपिगियन टिब्यूल है, एनलार्ज्ड व्यू में दिखा रहा हूं आपको। सो अल्टीमेटली इस मैलपिगियन टिब्यूल ने जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट करा है वो फाइनली उसने हाइंड गट में डाल देना है और वो एनस के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा। एक मैलपिगियन टिब्यूल के दो पार्ट्स बताए गए हैं, प्रॉक्सिमल एब्जॉर्प्टिव पार्ट, डिस्टल सेक्रेटरी पार्ट। ये वाला जो है ये प्रॉक्सिमल हिस्सा हो जाएगा, राइट? दिस इज व्हाट इज द डिस्टल सेक्रेटरी पार्ट। क्लियर है जी? इधर देख लीजिए, मिड गट में ये मैलपिगियन टिब्यूल्स खुल रही हैं। मैलपिगियन टिब्यूल्स का काम है हेमोलिम्फ में, यहां पे हेमोलिम्फ है ना, ये इस हेमोलिम्फ में से मटेरियल्स को इकट्ठे करना, मेटाबॉलिक वेस्ट्स को, उसको प्रोसेस करके और फिर फाइनली पोटाशियम यूरेट और जितनी भी चीजें हैं वो यूरिक एसिड बना देंगी और वो यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कॉकरोच जो है वो यूरिकोटैलिक है, ध्यान रखना, कॉकरोचेस यूरिकोटैलिक। क्लियर है राजा बेटा? हाँ जी। कनिष्का ने पूछा है अर्थवर्म इंपॉर्टेंट है क्या? बेटा अर्थवर्म अलग से नीट के सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट एनसीईआरटी में दिया है, सो आई विल डेफिनेटली टीच अर्थवर्म एज वेल एज फ्रॉग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय कृष्णिका। कृष्णिका क्लियर हो गया जी आपको? सुनील शर्मा, मोहम्मद मुस्तफा, तौसीफ, गुनगुन। तौसीफ तुम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चैट पे। तौसीफ ये थोड़ी सी गलत बात है, देखो इफ यू थिंक दैट आई एम गाइडिंग यू इन अ राइट वे तो थोड़ा कम हो जाओ चैट पे, ओवर एक्टिव हो आप, हर तीसरा सेंटेंस तुम्हारे नाम का है, ये गलत है। बस आप लिख के क्या भेज रहे हो? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ये कोई लिखने वाली बात है? जब कोई सवाल पूछूं तो जवाब दो ना बेटा, ठीक है जी? सेंसिबली, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं तुम्हारा नाम बोलना बंद कर दूंगा अदरवाइज। हाँ जी, नैन्सी, कपिल, ऋषिकेश, हिमांशु। हिमांशु आपको वो न्यूज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बच्चे जिसको इंटरेस्ट होगा वो अपने आप देख लेगा। चले कपिल क्लियर है, राइट? मोहम्मद, रियासुद्दीन, बढ़ते हैं जी आगे। वंडरफुल, 350 पीपल वॉचिंग, दैट्स नाइस। आगे देखिए जी, मैलपिगियन टिब्यूल्स जो है वो करती क्या है? ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, दीज एब्सॉर्ब मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे पोटाशियम यूरेट, सोडियम यूरेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हेमोलिम्फ एंड दे फॉर्म यूरिक एसिड। ये सारी चीजें वो हेमोलिम्फ में से एब्जॉर्ब करके उनका प्रोसेसिंग करके फिर यूरिक एसिड बना देते हैं। यूरिक एसिड इज रिलीज्ड इनटू एलिमेंट्री कैनाल
and passed out through anus. So cockroach is uricotelic. This is a uricotelic animal. Clear है? ये question पूछ लिया जाएगा. आगे देखते हैं जी. Fat body का जिक्र किया था मैंने. Fat body cells, fat body जो structure है उसको corpora adiposa भी कहते हैं. White color का है और ज्यादातर body cavity को fill करा हुआ है इसने. It's a lobed white tissue filling up greater part of the hemolymph. It consists of different types of cells. Urate cells, trophocytes, oenocytes, mycetocytes. चार cells जो है मुख्य तरह से वो ये हैं. चारों नाम याद रख लीजिएगा. केवल इनमें से urate cells excretion में involved हैं. बाकियों के भी function मैंने लिख दिए. उस fat body के अंदर जो अलग-अलग cells हैं, urate cells जो है, these produce and store uric acid. एक तरह का storage excretion है ये. Trophocytes, trophic word nutrition से concerned है ना. Trophocytes, they store fats, glycogen and proteins. Then, oenocytes. Oenocytes produce lipoproteins. Wax जो है वो बना रहे हैं ये. Mycetocytes, ये भी ध्यान रखिएगा. Mycetocytes जो होते हैं, इनके अंदर symbiotic bacteria present है उन cells के अंदर. और शायद ये कुछ खास तरह के vitamins और nutritive substances बना रहे हैं उनके लिए. Right? So, excretion के लिए केवल यूरेट सेल्स जो है वो इन्वॉल्व्ड है फैट बॉडी के. ट्रोफोसाइट्स जो है वो स्टोर कर रहे हैं फैट्स, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स. ओएनोसाइट्स वैक्सी सब्सटेंस बना रहे हैं. ओएनोसाइट्स याद कीजिए, जब हमने पढ़ा था ना क्यूटिकल, क्यूटिकल का अलग अलग पार्ट्स बताए थे. एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, और फिर आपको बताया था उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है. बेसमेंट मेम्ब्रेन में ट्राइकोजन सेल्स एंड ओएनोसाइट्स थे, वो भी वैक्स बना रहे थे. तो ये वही ओएनोसाइट्स हैं वैक्स बनाने वाले. माइसीटोसाइट्स जो है उनके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है. क्लियर है जी. फैट बॉडी का रोल जो है एक्सक्रीशन में. ऑल माय राजा बेटा. हाँ जी सिमरन, वो वैक्सी सब्सटेंस जो है फिर फाइनली वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्यूटिकल तक. राइट कुणाल मल्होत्रा जी, बताया जाएगा कि कैसे कॉकरोच रहता है बिना सिर के, लेकिन उसके लिए आपको सिदक और सबर बनाए रखना होगा. रैंडमली बीच में से नहीं पूछना क्वेश्चन. अभी नर्वस सिस्टम आएगा तो समझ जाएंगे कि मेजर पार्ट उसके नर्वस सिस्टम का कहां है. मशरूम ग्लैंड जो है, मशरूम ग्लैंड ऑफ मेल कॉकरोच पोजेसेस लॉन्ग ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट इट्स पेरिफेरी, जिनको यूट्रिकुलाई मेजोरिस और यूरिकोस ग्लैंड्स कहते हैं. मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, यूरिकोस ग्लैंड्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि वहां पे मशरूम ग्लैंड होती है जिसकी लार्जर ट्यूब्यूल्स एंड स्मॉलर ट्यूब्यूल्स होती हैं. तो जो लार्जर ट्यूब्यूल्स हैं यूट्रिकुलाई मेजोरिस, वही यूरिकोस ग्लैंड्स बना रही हैं. These store uric acid and discharge it over the spermatophore. Spermatophore क्या है? Capsules of the sperm. जब reproduction के time पे, copulation के time पे male cockroach the packet of sperms जो है वो deposit कर देता है female के पास, spermatophore कहते हैं. तो उस spermatophore के ऊपर वो अपना excretory waste material भी डाल देते हैं uric acid. So male की reproductive system का एक हिस्सा excretion में भी मदद कर रहा है. इस प्रकार की excretion को storage excretion भी कह देते हैं. राइट जी, क्लियर है माय राजा बेटा. एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉकरोच का क्लियर. प्रिया पांडे, कोमल, मनीष, संदीप, वाहिद खान, नफीस, रियासुद्दीन, दीपक, विशाल. सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है. आप जानते हैं इंसेक्ट्स के केस में देयर इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड लैक्यूनर. ओपन का मतलब ये होता है कि कोई डेफिनेट ब्लड वेसल्स नहीं है. एक लॉन्ग ट्यूब्यूल है जिसको हार्ट कह देते हैं, और साइनसेस हैं, टिश्यू स्पेसेस हैं जहां पे की ब्लड फ्लो कर रहा है, एंड ब्लड इज कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सेल्स. सो ओपन टाइप है. एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो गया. देर आर नो डेफिनेट ब्लड वेसल्स. राइट, द ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसेस एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सेल्स. हार्ट प्रेजेंट है, एक लंबी सी ट्यूब है जिसे हार्ट कह देते हैं. हार्ट की कॉन्टिन्यूटी अयोटा होती है. सो हार्ट एंड अयोटा आर प्रेजेंट बट कैपिलरीज एंड वेन्स आर एब्सेंट. बॉडी कैविटी हेमोसील है और बॉडी का जो फ्लूइड है यानी ब्लड जो है दैट इज कॉल्ड हेमोलिम्फ. तो जहां जहां आप देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट करा है और ग्रीन से फिर अंडरलाइन भी कर दिया है, वो बातें इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का है. आंसर विल बी ओपन टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड को क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ. बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? हेमोसील. अब आप देखिए सामने एक डायग्रामेटिक व्यू में आपको ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है. दिस इज द हेड रीजन व्हिच इज एट 90 डिग्री एंगल टू द मेन बॉडी एक्सिस. इस तरह से है ना सिर, यही बात आपको समझा रहा था मैं. ये लंबी सी ट्यूब जो आपको दिख रही है ऊपर, दिस इज व्हाट इज हार्ट. राइट,
हार्ट के ये जो चैम्बर्स हैं, देर आर 13 चैम्बर्स जो आप देख पा रहे हैं। एरोज के निशान से जो आपको दिखाया गया है ये हेमोलिम्फ का फ्लो दिखाया गया है। बॉडी कैविटी को साइनसेस में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर जो है देयर इज अ पेरिकार्डियल साइनस, पेरिविसरल साइनस, पेरिन्यूरल साइनस, दो मेजर पार्टीशंस हैं जिनको डायफ्राम कहते हैं। सो डायफ्राम के जरिए ये ऊपर वाला डॉर्सल डायफ्राम, ये आपको जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये नीचे वाला वेंट्रल डायफ्राम होता है। सो डॉर्सल डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम उसके शरीर के पूरे हिस्से को जो है वो तीन साइनसेस में डिवाइड कर देते हैं। सो देखते हैं जी, Hemocoel is divided into three sinuses by two diaphragms. There is a dorsal pericardial sinus. There is a middle perivisceral sinus. There is a ventral perineural sinus. Please remember the name of three sinuses. Dorsal sinus को pericardial sinus कहा, उसमें heart होता है। जो लंबी वाली ट्यूब है ये सबसे ऊपर आपको दिख रही है, जिसकी continuity आगे dorsal aorta है, यही तो heart है उसका, dorsal sinus में present है, right? इसको अगर transverse section में देखेंगे, एक अलग view में अगर आप इसी चीज को देखें, इन sinuses को, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए इधर cockroach के legs हैं ऐसे, रफ रिप्रेजेंटेशन एक आपको बना के दिखा रहा हूं, राइट? सो मैंने कहा दैट देयर इज अ डॉर्सल साइनस, देयर इज अ वेंट्रल साइनस। सो ये डायफ्राम है, राइट? ये ऊपर वाला डॉर्सल डायफ्राम, ये नीचे वाला वेंट्रल डायफ्राम, ये जो साइनस बन गया यहां पे हार्ट होता है। सो इसको कह देते हैं राजा बेटा, ये वाला जहां पे हार्ट दिखा दिया, दिस इज द पेरिकार्डियल साइनस। यहां पे ऐसे एलिमेंट्री कैनाल का ये ट्रांसवर्स सेक्शन आ जाएगा। सो दिस इज पेरिविसरल साइनस, यहां पे विसरा है। यहां पे नीचे जो है दिस इज पेरिन्यूरल साइनस, क्योंकि यहां पे नर्व कॉर्ड आ जाएगी। सो ये तीन साइनसेस दिख गए आपको, वन, देन दिस इज टू, एंड देन दिस साइनस इज थ्री। आई होप इट्स क्लियर। ये दोनों तरफ लेग्स दिख रही हैं आपको, ऊपर वाली पार्टीशन जो है दैट इज डॉर्सल डायफ्राम, नीचे वाली वेंट्रल डायफ्राम। डायफ्राम में पोर्स होते हैं, ये परफोरेटेड हैं, जिन्हें फिनेस्ट्रे भी कहते हैं। वो फिनेस्ट्रे जो है फ्लूइड का फ्लो मेंटेन करके रखेंगे। डायफ्राम्स हैव पोर्स और फिनेस्ट्रे टू परमिट द फ्लो ऑफ हेमोलिम्फ। क्लियर है जी, याद रहेगा। मैं इस डायफ्राम का नाम लिख देता हूं, इधर देखिए, दिस इज डॉर्सल डायफ्राम, राइट? दिस वन इज वेंट्रल डायफ्राम, राइट? चलो आगे देखते हैं। नाउ ये पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये एनसीईआरटी में से एज इट इज ली गई है। लेंथ वाइज आप बॉडी देख पा रहे हैं, इस तरफ जो है कॉकरोच का हेड रीजन है, दिस इज दी हेड रीजन, ये उसके आईज दिख रही है। ये लंबी सी ट्यूब जो आपको दिख रही है राजा बेटा, इसी लंबी ट्यूब को हम हार्ट कह देते हैं, राइट? ये इसके अलग अलग चैम्बर्स हैं, दीज आर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो फैन शेप्ड मसल्स हैं ना यहाँ पे जो हार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट? एलेरी मसल्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कॉकरोच के हार्ट के साथ जो एसोसिएटेड मसल्स हैं उनका नाम क्या है? दे आर कॉल्ड एलेरी मसल्स। हिमांशु, साइनस का मतलब होता है बेटा स्पेस, जगह, राइट जी? ऋषिकेश, सचिन, सुमन, संदीप, निशांत, नैन्सी, सुमन कह रही है कि पिछले लेक्चर का पीडीएफ नहीं मिला। बेटा वो मिल जाएगा, आज रात तक जो है अपलोड हो जाएगा, कुछ थोड़े से टेक्निकल इश्यू के कारण अपलोड नहीं हो पाया था, आज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। देखिए इधर हार्ट के बारे में जो बातें आपको याद रखनी है राजा बेटा, हार्ट इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब विद द एंटीरियर एंड ओपन, आगे का हिस्सा ओपन है, पोस्टीरियर एंड पीछे का हिस्सा क्लोज्ड है, ओके? एंटीरियर ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एंटीरियर आयोटा, आगे का हिस्सा जो ट्यूब्यूलर पार्ट है हार्ट का, दैट इज व्हाट इज एंटीरियर आयोटा, जो हेड रीजन को हेमोलिम्फ सप्लाई कर रहा है। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 13 फनल शेप्ड कॉन्ट्रेक्टाइल चैम्बर्स, ये भी ध्यान रखना है, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स जो है अलग अलग, कोई 13 दिल नहीं होते हैं भाई, वो चैम्बर्स के कारण 13 चैम्बर्स हैं तो ऐसे बोल देते हैं। फर्स्ट 3 चैम्बर्स आर इन द थॉरेक्स, रिमेनिंग 10 चैम्बर्स आर इन द एब्डोमन। थॉरेक्स में 3 ही तो सेगमेंट है, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। सो 3 हार्ट चैम्बर्स थॉरेक्स में है और 10 है एब्डोमन में।
हार्ट इज न्यूरोजेनिक एंड इट इज सप्लाइड बाय 12 सपोर्टेड बाय 12 पेयर्स ऑफ फैन शेप्ड एलेरी मसल्स. एलेरी मसल्स का नंबर 12 पेयर है, ध्यान रखना. हार्ट के चैम्बर्स का नंबर 13 पेयर है. 13 चीजें रखी हैं, उनके बीच बीच में 12 ही तो नंबर बनेंगे एलेरी मसल्स के. न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब आप समझते हैं सत्यम, मैंने बताया एलेरी मसल्स आर सपोर्टिंग दी हार्ट. ये मसल फाइबर्स हार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में. न्यूरोजेनिक का मतलब होता है जहां पे नर्व इंपल्स जो है वो हार्ट के अंदर ओरिजिनेट नहीं हो रही, नर्वस सिस्टम उसे रेगुलेट कर रहा है. जैसे वर्टीब्रेट्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में हमारे में मायोजेनिक हार्ट है. मायो रेफर्स टू मसल. तो हमारे हार्ट की हार्ट बीट के लिए जो कार्डियक इंपल्स है दैट ओरिजिनेट्स विद इन द स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स ऑफ द हार्ट, SNO जिसे कहते हैं. यहां पर ऐसा नहीं है. न्यूरोजेनिक हार्ट वो होता है जहां पर हार्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने वाली इंपल्स है वो हार्ट के अंदर ओरिजिनेट नहीं हो रही, नर्वस सिस्टम से वो चीज रेगुलेट हो रही है. राइट सत्यम, प्रेरणा युक्ता कौशल क्लियर है जी. सिपुल सिंह पूछ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्लास कब होगा. सिपुल सिंह जी, प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम रूट मॉर्फोलॉजी डिस्कस भी कर चुके हैं. एवरी मंडे, मंडे के मंडे वाले लेक्चर्स आप देखिए. बिल्कुल बिल्कुल सिपुल, कॉपी पेस्ट सेम चीज करके आप 100 बार मत भेजिए, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी. एक बार मैंने जवाब दे दिया है उससे संतुष्ट हो जाइए. लेक्चर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं. निशांत क्लियर है. राइट अहमद राइट. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. याद रखने वाली बातें, 13 चैम्बर्स 12 पेयर्स ऑफ एलेरी मसल्स, वेरी गुड जी. ब्लड सर्कुलेशन कैसे है, हेमोलिम्फ जो है उसमें कलरलेस प्लाज्मा है, अमीनो एसिड्स यूरिक एसिड हेमोसाइट्स हैं. रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती, सो ध्यान रखेंगे हेमोलिम्फ हैज नो रोल इन रेस्पिरेशन. एयर तो डायरेक्टली पहुंच रही है ट्रेकियल ट्यूब्स के जरिए. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलेरी मसल्स जो हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन को बना करके रखते हैं. सो बताइए जी, ब्लड सर्कुलेशन वाला पार्ट क्लियर है. रूही सना निशांत गुनगुन क्लियर है जी. नैन्सी जसवाल बताइए मुझे, आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आ जाने चाहिए, अब ढेर सारे फ्लावर्स एंड रोजेस. शिवप्रसाद संदीप सिमरा जीडी आयरन शैलेश कह रहे हैं सर मेरा ये चैप्टर क्लियर ही नहीं होता. बिल्कुल क्लियर होगा, नेक नियत के साथ ईमानदारी के साथ आप पढ़िए जुड़िए, क्लियर होगा. इससे ज्यादा और क्लैरिटी की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो जिंदा कॉकरोच ही सामने रखना होगा आपके. सो दिस इज वेरी क्लियर. राइट अब आपने पढ़ लिया है तो अब आप इसे एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा. हाँ जी गोपाल कृष्ण जी, आपका नाम कह दिया आपने, बड़े प्यार से लिखा था प्लीज मेरा नाम कह दीजिए एक बार. चलिए जी आपने कहा तो आपका नाम ले लिया गोपाल. रेगुलर जुड़िए आप हमारे साथ, यहां नाम लेने का सिलसिला चलता रहता है. देखिए एकदम से हमारे कहने पे स्क्रीन भर गई है पूरी फ्लावर्स के साथ, चॉकलेट्स के साथ एंड थम्स अप्स के साथ. वंडरफुल जी. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन विद कॉकरोच पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना. नर्वस सिस्टम अभी नहीं हुआ है कॉकरोच का, सेंसरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अब अगले ट्यूजडेज एंड वेडनेसडे को कॉकरोच फिनिश होगा. राइट जी और अगले मंडे को आपके साथ क्या पढ़ाया जाएगा, अगले मंडे को फिर से प्लांट मॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम. चले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचने चाहिए. खूबसूरत बात है हमारे प्लेटफॉर्म की, आपको सारे पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं. लाइक एंड शेयर करना आप पे है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, हमेशा कहता हूं आपको. ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी जेईई एंड जूनियर क्लासेस के लिए, दैट इज फॉर 9th एंड 10th वी हैव अनअकैडमी फाउंडेशन. क्लास 11th के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. क्लास 12th के टॉपिक होते हैं फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, टाइमिंग सेम रहते हैं 4, 5 एंड 6. राइट सचिन लाइव कोड, द लाइफ सेविंग कोड, सपने सच करने वाला कोड. प्लस के प्लेटफॉर्म पे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, आप मेरा कोड यूज करेंगे, आप मेरे बैचेस में ही नहीं बाकी सभी टीचर्स के बैचेस में भी पढ़ सकते हैं. सो आपको सभी टीचर मेंटर करेंगे, आपके ऑल टाइम फेवरेट अश्विनी त्यागी सर, महेंद्र सर. सो नीट की इस बेहतरीन टीम से आप पढ़ना चाहते हैं, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और हमारे साथ आकर के जुड़ जाएगी. इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हुए सिमरा अनामिका श्रेया मोनीश संकेत
तौसीफ जी, अल्लाह हाफिज, मोहम्मद मुस्तफ़ा, डॉली रानी, उमर फारूक, संकेत, कंचन, निशांत, सुचिता, आदर्श, विनायक, राकेश, दिव्या, क्लियर है जी, ग्रेट। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पे, आप अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा, बाय बाय।